15 अगस्त हो या 26 जनवरी, देश के पीएम और सेना के प्रमुख अधिकारी इंडिया गेट में जल रही अमर ज्योति को नमन कर शहीदों को श्रद्धांजलि देते थे। लेकिन साल 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनने के बाद यह प्रथा बदल गई। शहीदों को नमन अब नेशनल वॉर मेमोरियल में किया जाने लगा। मोदी सरकार ने इस परंपरा को बदल कर यह संकेत दे दिया था कि अब देशभक्ति का प्रतीक इंडिया गेट नहीं बल्कि नेशनल वॉर मेमोरियल होगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नेशनल वॉर मेमोरियल की आधारशिला रखते वक्त यह तय हो गया था कि शहीदों के लिए अमर ज्योति जलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल के अमर चक्र में अमर जवानों के लिए लौ जलेगी, लेकिन इंडिया गेट में जल रही मशाल बुझेगी नहीं बल्कि उसका इस लौ में विलय होगा। सूत्रों की माने तो 1971 वॉर के शहीदों को उनकी सही जगह देने के लिए फैसला लिया गया। उनके मुताबिक यह फैसला ब्रिटिश गुलामी की मानसिकता से बाहर आने के तहत भी लिया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल आजाद भारत के शहीदों की याद में बनी एक ऐसी इमारत है जो हमारे वीर जवानों पर गर्व करने के लिए प्रेरित करेगी। यहाँ उन जवानों के नाम भी लिखे हैं जो शहीद हुए। अमर ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाने पर सवाल उठाने की जगह हमें यह पूछना चाहिए कि आज़ादी के इतने सालों बाद शहीदों के लिए अब तक ऐसे मेमोरियल की कल्पना क्यों नहीं की गई थी। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली के इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए शहीद हुए 3000 भारतीय सैनिकों की याद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस अमर जवान ज्योति को इस शाश्वत लौ को जलाया था। लेकिन इस जीत के 50 साल बाद भारत ने उस लौ को वहां से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में चल रही लौ में मिला दिया। इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल के उद्घाटन के वक्त लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।